हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जर की दुनिया। सो पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने पूरा एक दिन बिताया गैंगटॉक सिक्किम में और फिर हम निकल पड़े अपने दूसरे डेस्टिनेशन दार्जिलिंग के लिए। सो हम बाय रोड कार से जा रहे थे और बाहर कुछ इस तरह के नज़ारे थे। क्या ही ब्यूटिफुल सीनरी थी कि मैं बता ही नहीं सकती आपको। पहाड़ों के बीच नदी बहते हुए नीचे से, इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। कुछ ही देर के बाद हम रुके लंच के लिए, एंड दिस वॉज द रेस्टोरेंट। इसका नाम था जैन रेस्टोरेंट, एक वेज रेस्टोरेंट था और खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। हमने ऑर्डर करा कुछ वेज थालीज, इडली, डोसा, कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्वीट्स, और फिर हमने लंच किया। मैं तो जर्नी फुल ऑन एंजॉय कर रही थी, सिर्फ मैं ही नहीं पूरी फैमिली जर्नी बहुत एंजॉय कर रही थी। टी गार्डन मतलब दार्जिलिंग, और जैसे ही टी गार्डन दिखने लगा वी ऑलमोस्ट अराइव्ड, वी वर देयर इन दार्जिलिंग। जैसे जैसे हम दार्जिलिंग की तरफ बढ़ रहे थे ठंड भी वैसी ही बढ़ रही थी, और कुछ ही देर के बाद थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी थी। अराउंड 4 hours ट्रैवलिंग के बाद वी ऑलमोस्ट अराइव्ड आवर होटल निर्वाणा, जो कि हमने ऑलरेडी बुक करके रखा हुआ था पहले से ही। ये बिल्कुल मॉल रोड के पास ही लोकेटेड था। ये हमने सिर्फ 1 night के लिए बुक करा था क्योंकि रूम्स अवेलेबल नहीं थी, तो हमें सुबह ही दूसरी जगह शिफ्ट होना था। That's the room. Best part, chai, pani, TV. That's the balcony. I can't show you guys the view right now, but in the morning surely I'll show. So क्योंकि हमें आते हुए थोड़े लेट हो गई, रात हो गई है, आई मीन 7 बज रहा है, बट इट्स वेरी डार्क आउटसाइड, सो इस वजह से व्यू इज़ वेरी गुड, बट आई कैन नॉट शो इट टू यू ऑल राइट नाउ बिकॉज रात हो गई है, आई मीन शाम हो गई है, इट्स डार्क आउटसाइड। इन द मॉर्निंग आई शो श्योरली शेयर द रूम व्यू। I'll quickly show you the bathroom too.
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकले हमारे दार्जिलिंग की साइट सीइंग के लिए। उससे पहले हमारा सारा लगेज, हमारा दूसरा जो होटल रूम था वो हमने बुक करा था, उसमें शिफ्ट होने वाला था। सो हम चले थोड़ा बाहर का व्यू देखने के लिए। सुबह सुबह का व्यू वॉज जस्ट मेसमराइजिंग। एवरीवेयर क्लाउडी क्लाउड दिख रहा था। इट वॉज संडे मॉर्निंग और वहाँ पे कुछ लोग प्लांट्स लगा रहे थे, सो मैंने भी हेल्प करा। आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला, सो दैट नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई कम आई विल सी कि मेरा प्लांट कितना ग्रो हुआ है। फिर आ गया हमारा गाड़ी। सारे लगेज को हमारे दूसरे होटल जो कि था होम स्टे उसमें शिफ्ट कराने के बाद हम निकले हमारे साइट सीइंग के लिए। साइट सीइंग में हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या देखा, वो आप देख सकते हो हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इवन यू विल गेट टू सी द होम स्टे जहाँ पर हम दूसरे दो दिन रुके थे, वो भी काफ़ी सुंदर था। सो सी यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू सो मच।